हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4D से कुछ क्वेश्चंस। रेशनल नंबर्स चैप्टर 4 है, क्लास 7th RS अग्रवाल की बुक से। यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं बुक से। गिवन है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 4/21 इफ़ वन ऑफ देम इज 5/7 फाइंड द अदर। यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स का सम गिवन है 4/21, जिसमें से एक नंबर गिवन है 5/7, हमें फाइंड करना है अदर नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी एक्स, एक्स ले लेते हैं अदर नंबर। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5/7 प्लस एक्स, दोनों नंबर का सम क्या है 4/21। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इक्वेशन बन गई है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स को लेफ़्ट में रहने देंगे और 5/7 को राइट में ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 एंड 7 इसका एलसीएम हो जाएगा 21, 21 वन जा 21 एंड 1 इंटू 4 हो गया, माइनस 7 3 जा 21, 3 इंटू 5 15। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू 4 माइनस 15, दैट मीन्स -11/21, हैंस अदर नंबर इज -11/21। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे बुक से। गिवन है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/8 इफ वन ऑफ देम इज 3/16 फाइंड द अदर। सेम है फ्रेंड्स क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी एक्स, देन क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स प्लस 3/16 इज इक्वल टू -3/8। ओके, ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करके एक्स को फाइंड कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -3/8 और 3/16 को राइट में लेके जाएंगे, माइनस में हो गया -3/16। सो यहाँ पे 8 और 16 कैल्सियम हो जाता है 16, 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, आएगा 2, 2 इंटू -3 आ जाएगा -6। इसके बाद ये माइनस एज इट इज़ लगा देंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 16 को, आएगा 1, 1 इंटू 3 करेंगे आ जाएगा 3, -6 और -3 क्या हो जाएगा -9/16। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से हमने सॉल्व किया है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3 इफ वन ऑफ देम इज -15/7 फाइंड द अदर। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी सेम रहेगा, लेट कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी एक्स, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दो नंबर्स का सम मीन्स एक्स प्लस -15/7 को हमने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि माइनस में था, इज इक्वल टू 3। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स को फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस जो राइट में आएगा वो प्लस में हो जाएगा, +15/7 हो जाएगा, ट्रांसपोज करके इसका साइन जो है ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। सो 1 और 7 कैल्सियम हो गया 7, 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, आएगा 7 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, 7 से डिवाइड करेंगे 7 को, आएगा 1, तो 1 इंटू 15 कर देंगे, -3 × 7 21 माइनस कराएगा और प्लस 15 बन जा 15/7, देन क्या हो जाएगा -21 और प्लस 15 आ जाएगा माइनस का 6/7, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से हमने सॉल्व किया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -4/3 इफ वन ऑफ देम इज -5 फाइंड द अदर नंबर। ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे वन नंबर था रेशनल नंबर और यहाँ पे दोनों का सम जो है इस तरह से गिवन है फ्रैक्शन में। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी सेम है, लेट कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर बी एक्स है ना, इसके बाद से इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स प्लस -5 इज इक्वल टू है -4/3।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके माइनस फाइव हो गया इज़ इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो भी हमने सॉल्व किया, यहाँ पे भी एक स्टेप हम और सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक्स प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, फिफ्टीन अपॉन सेवन इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। इसके बाद से फ्रेंड्स ये स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसको हमने माइनस थ्री अपॉन वन लिखा है, और ये माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवन इसको हम ट्रांसपोज करके राइट में लेके आएंगे तो ये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस फाइव, माइनस फाइव को हमने ट्रांसपोज किया राइट में लेके आए प्लस में हो गया। फाइव को हम फाइव अपॉन वन लिख सकते हैं, थ्री और वन का एलसीएम हो जाएगा थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस फोर इंटू वन कर देंगे प्लस, वन से डिवाइड करेंगे थ्री को आ जाएगा थ्री इंटू कर देंगे फाइव में, सो हमें क्या मिलेगा माइनस फोर प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन अपॉन में थ्री, माइनस फोर प्लस फिफ्टीन आ गया प्लस का इलेवन अपॉन में थ्री, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये फोर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज फोर डी से, रेशनल नंबर्स चैप्टर सेवन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप आगे भी इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट।